श्री राम की नगरी अयोध्या में इस बार आठवां दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रामलला अपने भव्य मंदिर में इस साल विराजमान हो गए हैं, ऐसे में इस साल रामनगरी में दीपोत्सव काफी खास होने वाला है। इस बार दीपोत्सव पर खास झांकियां देखने को मिलेंगी, जिसकी तैयारी पिछले एक महीने से चल रही है। इस बारे में कारीगर और आर्किटेक्ट ने क्या बताया, सुनिए। रामलला का ऊपर में बेस करके बना हुआ है दीपोत्सव में। दीपोत्सव में तो जैसे मान लीजिए रामलला का जो बाले का कांड हुआ है जी, ठीक है, वो एक झाकिया सा तैयार हो रहा है, और एक सुंदर कांड है जी, और एक आपका रावण लंका कांड है जी, ऐसा कुछ झाकिया तैयार हो रहा है। ठीक है, तो कितने दिनों से आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं, कब तक बना करके दे देंगे? मान लीजिए लगभग एक महीना हो गया है। एक महीने से लगातार तैयारी लगातार चल रहा है जी, जी। दिन रात चल रहा है। ये किसकी मूर्ति आप बना रहे हैं? ये सीता माता मैया की मूर्ति, सीता माता की। इनको बनाने में कितना समय लगा आपको? ये बनाने में कम से कम आपका 6-7 दिन लगता है, डे नाइट काम चल रहा है, 6-7 दिन लग गया जी। किस मटेरियल से बना रहे हो, कितना अद्भुत रहेगा ये? ये तो फाइबर ग्लास से बन रहा है जी, जी। हाँ, FRP से बन रहा है जी। तो नेचुरल लुक दिखा देगा इसका, अद्भुत रहेगा। हाँ, नेचुरल लुक। कैसा लग रहा है आपको रामलला अयोध्या में भगवान राम का काम करते हुए? तो अच्छा लग रहा है। राम कथा पार्क जो है जी, उसकी साज सजावट चल रही है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की LEDs लग रही है, उसमें अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं। साज सजावट में फूलों का और कपड़ों का और अलग अलग तरीके के मटेरियल से उसकी सजावट करी जा रही है। यहाँ राज दरबार बनेगा और राम रथ बनेगा, ये सब क्या है? सर देखिए, बेसिकली ये जो पूरा दीपोत्सव का इवेंट होगा, इसमें CM सर हमारे आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे, इस मंच पर भी उनका स्वागत होगा जी। और वो रथ को खींच के यहाँ तक लाएंगे, जो रथ हम बना रहे हैं जी। उनकी लैंडिंग होगी यहाँ घाट पे, वहाँ से वो रथ को खींच के लाएंगे और फिर यहाँ पर प्रोग्राम होगा। कितना अद्भुत रहेगा इस साल का दीपोत्सव, और राज राज तिलक, राजमहल और रामरथ कैसा रहेगा, कितना अद्भुत रहेगा जब भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं? मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहूँगा कि इस बार जितना भी सारा ये काम चल रहा है, ये हम बिल्कुल नए तरीके की डिजाइनिंग और वो कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया जा रहा है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सारे प्रशासन से, सारे जो लोग हैं, सबने बहुत यहाँ पर हमें हेल्प करी है, सब बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ों में सबका पूरा योगदान है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। कितने दिन से तैयारी चल रही है, कितने लेबर मिस्त्री और कितने स्वयं सेवक लगे हैं? सर आप समझ लीजिए, यहाँ पे कुल मिलाकर हमारे 100 से ज़्यादा लोग हैं, और ये तैयारी करीबन आप समझ सकते हैं कि पिछले 10-12 दिन से पहले से चल रही है। कब तक तैयार करके दे देंगे आप लोग? सर हमारी कोशिश तो ये है कि और 3-4 दिनों में हम यहाँ पर सब कुछ तैयार कर देंगे। ये पहला मौका होगा जब दीपोत्सव पर झांकियां देखने को मिलेंगी। इनमें श्री राम के जीवन के किन पलों की झलक हमें देखने को मिलेगी, इस बारे में नगर आयुक्त ने जानकारी दी है। इस बार बहुत ही जो अयोध्या का जो हमारा थीम है इस बार दीपोत्सव, उसमें जो रामलला के जीवन के विभिन्न प्रसंग है, विभिन्न पहलू है, उसको लेकर झांकियों का इस बार प्रदर्शन होगा। 18 झांकियां जो प्रभु श्री राम के बाल्यकाल से लेकर और राजगद्दी राज दरबार तक के पर आधारित होगा, और एक झांकी राम मंदिर की होगी। इसमें झांकियों में यदि हम आपको बताएं तो मनु सतरूपा कांड से लेकर पृथ्वी पुकार उत्कृष्टि यज्ञ, राम जन्म भूमि आगमन, ताड़कावध, अहिल्या उद्धार, धनुष यज्ञ, राम विवाह, श्री राम वनवास, केवट प्रसंग, स्तूपरेखा प्रसंग, सीता हरण, शबरी प्रसंग, लंका दहन, रावण वध, राम राज्य अभिषेक, राम दरबार, ये सारी झांकियाँ जो हैं ये संस्कृति विभाग की तरफ से यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ लोक भव्य मंच बनाए गए हैं, जहाँ पर कि संस्कृति विभाग की तरफ से आकर्षक कार्यक्रम होंगे। विदेशी रामलीलाएँ भी काफ़ी होंगी, जिसमें विदेशी रामलीलाओं में आपको बताएं, हम लोगों के पास 6 देशों की रामलीलाएँ आ रही हैं, और जिसमें थाईलैंड, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल की है। और इसके साथ साथ प्रसिद्ध देश के प्रसिद्ध कलाकार के द्वारा भी अपनी प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें हनुमान चालीसा पर आधारित नृत्य नाटिका है, श्री रामचरित मानस पर आधारित एक नारी शक्ति का एक मंचन है, नृत्यमयी रामायण का एक आयोजन है, और विदेशी रामलीला दलों की जो प्रस्तुति है। इस तरह से जो पूरा का पूरा अयोध्या है वो 3 दिन एक उत्सवपूर्ण माहौल में रहेगा, और पूर्ण रूप से उल्लास के साथ यहाँ पे उत्सव का आयोजन होगा।
दीपोत्सव पर चार चांद लगाने के लिए ये झांकियां सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी, जो कि लगभग 2 बजे समाप्त होगी।